हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर एम्परर अशोका, सोशल साइंस बुक, सेमेस्टर टू, ग्रेड सिक्स से। इफ़ वी विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक माउंट गिरनार, अपर कोट फोर्ट, दामोदर कुंड एट्सेट्रा, वी गेट टू नो स्टोरीज एसोसिएटेड विद ईच प्लेस। अगर हम इस तरह की ऐतिहासिक जगहों पर जाएं, जैसे माउंट गिरनार है, अपर कोट फोर्ट है, दामोदर कुंड है, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जो उस जगह से जुड़ी हुई हैं। वत्सल विजिटेड फुट हिल्स ऑफ गिरनार एंड सॉ सम इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम। वत्सल ने जब गिरनार पे, जो वहाँ के फुट हिल्स थे, जब वहाँ विजिट किया तो उसने वहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस देखे जो अशोका द्वारा लिखवाए गए थे, तो उसको उनके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है पत्थर पर जो लेख खुदवा दिए जाते हैं। देर आर मैनी सच इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इस तरह के बहुत सारे आपको इंस्क्रिप्शंस जो हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे। अशोका द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल मौर्यन रूलर्स वॉज द फर्स्ट किंग टू यूनिफाई इंडिया। अशोका जितने भी अब तक मौर्यन रूलर्स हुए उसमें सबसे ज़्यादा फेमस थे और पहले ऐसे राजा थे जिसने इंडिया को एक करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। He is also known as Ashoka the Great. इनको हम Ashoka the Great के नाम से भी जानते हैं। To propagate and promote his ideas, Ashoka got his message inscribed on stone pillars, caves, boulders and rocks. Ashoka ने अपने जो संदेश थे उनको जो पत्थर के बड़े बड़े pillars होते हैं, गुफाएं होती हैं, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं या फिर जो rocks होती हैं उनके ऊपर अपने संदेशों को खुदवा दिया था। These edicts were widely spread throughout his empire. उनका जहाँ जहाँ साम्राज्य था वहाँ पर इस तरीके से जो inscriptions थे वो काफ़ी फैले हुए थे। They conveyed Ashoka's ideas on administration, behavior of people towards one another and their elders, religions, etc. अब जो अशोका के विचार थे कामकाज को लेकर, लोगों का व्यवहार कैसा हो एक दूसरे के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, धर्म के प्रति, वो सब जो है मैसेज उनके बताते थे। The stone pillars of Ashoka were carved out of a solid rock and were polished like metal. जो बड़े बड़े पत्थर के pillars थे जिन पर अशोका ने अपनी ये carvings करवाई थी वो एक solid rock के बने हुए होते थे, साथ ही साथ उनके ऊपर जो polish थी वो इस तरह से करी जाती थी कि वो metal के लगते थे। The capital of the pillar was crowned with figures of bulls and lions. जो pillar होता है उसका जो decorated हिस्सा होता है, top part जो होता है, उस पर बुल और लॉयन की जो इमेजेस हैं वो बनवाई गई। द मोस्ट फेमस पिलर इज वन एट द सारनाथ। ऐसी तरह का एक जो सबसे फेमस पिलर है वो सारनाथ में है। इट हैज फोर लॉयंस कार्व्ड एट द टॉप। उस पिलर के ऊपर चार लॉयंस हैं जो टॉप पे बने हुए हैं। द लॉयन कैपिटल इज नाउ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। हमारा जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का वो लॉयन कैपिटल ही है। एंड द पिक्चर ऑफ लॉयन कैपिटल इज फाउंड ऑन इंडियन करेंसी। इसी तरीके से जो इस लॉयन कैपिटल की जो इमेज है वो हमारी इंडियन करेंसी पर भी पाई जाती है। एंड ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकारी दस्तावेज होते हैं गवर्नमेंट के, उस पर आपको ये वाला जो नेशनल एम्बलम है इसका मार्क दिख जाएगा। अराउंड 325 BC, an ambitious young man by the name of चंद्रगुप्त outdid the Nandas and established the Mauryan Empire. लगभग 325 BC की बात करें तो एक यंग लड़का था चंद्रगुप्त के नाम से जिन्होंने नंदास को हटाकर एक मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया। ही डिड दिस विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर कौटिल्य। इन्होंने ये जो है अपने जो गुरु थे उनकी मदद से किया जिनका नाम था कौटिल्य। लोग उनको चाणक्य नाम से जानते हैं। कौटिल्य वॉज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ धनानंद, द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। अब कौटिल्य कौन थे? ये धनानंद के राज्य में जो आखिरी रूलर माने जाते हैं नंदा डायनेस्टी के, उनके उसमें एक मिनिस्टर थे। विद चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द नंदास इन 321 BCE एंड एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने जो है नंदास को हराया 321 BCE में और फिर मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। चाणक्य वॉज अ मास्टर माइंड एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चंद्रगुप्त एसेशन टू पावर। एक जो शातर दिमाग पीछे काम कर रहा था वो चाणक्य का था, तभी जो है चंद्रगुप्त पावर में आ सके। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर एंड एन एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट। चाणक्य जो है बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ विचारक माने जाते हैं और बहुत बड़े आर्थिक नीति के जो है एक्सपर्ट माने जाते हैं। हिज पॉलिटिकल आइडियाज आर कंपाइल्ड इन द अर्थशास्त्र, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल थॉट एंड सोशल ऑर्डर।
उनके जो भी राजनीतिक विचार थे वो सब कंपाइल किए गए अर्थशास्त्र में। सबसे पहला वर्ल्ड का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उनके सारे पॉलिटिकल थॉट्स और जो सोशल ऑर्डर्स हैं उसके बारे में बताया गया है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त सन सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन। चंद्रगुप्त के बाद उनके जो लड़के थे बिंदुसार, वो उनके बाद राजगद्दी पे बैठे। An able son of an able father, he is said to have conquered 16 states and extended the modern Mauryan empire greatly and aptly. जितने काबिल चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार भी उतने ही काबिल राजा थे और उन्होंने लगभग 16 स्टेट्स पर जीत हासिल करके मौर्यन साम्राज्य को उतना ज्यादा और फैला दिया था। अशोका द सन ऑफ बिंदुसार असेंडेड द थ्रोन अप्रोक्सीमेटली इन 273 BCE। अब बिंदुसार के जो लड़के थे अशोका, उन्होंने जो है जब राजगद्दी हासिल करी तो वो लगभग 273 BCE की बात है। His empire extended from northwest Kandhar and Peshawar to Nepal in north India to Mysore in south to west Gujarat, Saurashtra and Magad, Kalinga in the east। एक तरह से चारों दिशाओं में अशोका ने जो है अपना साम्राज्य फैला लिया था। नॉर्थ वेस्ट कंधार और पेशावर जो नेपाल में है नॉर्थ इंडिया में, वहां से लेके मैसूर साउथ में, वेस्ट गुजरात सौराष्ट्र मगध बिहार कलिंगा से ईस्ट, सब जगह उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल डिफाइंड, बहुत ही परफेक्टली जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था। मोस्ट ऑफ अवर नॉलेज अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, मैगस्थनीज इंडिका एंड द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। मौर्यंस का जो राजकाज था, उसका जो काम था, वो कैसे चलता था, इस कार्य में जो बारे में ज़्यादा जानकारी है वो हमें मिलती है जो भी अशोका की इंस्क्रिप्शन है उनकी मदद से, जो मैगस्थनीज की इंडिका थी, जो मैगस्थनीज आए थे उनकी जो बुक थी उसकी मदद से, साथ ही साथ अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की उसकी मदद से। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज फाउंडेड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ एन इफेक्टिव एंड अ गुड गवर्नेंस बेस्ड ऑन द चाणक्य अर्थशास्त्र। जो भी मौर्यंस का कामकाज होता था वो कैसे चलता था, क्योंकि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस तरीके से बहुत इफेक्टिव और अच्छे से गवर्नेंस करी जाए उसके बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं। द किंग हेल्ड द सुप्रीम पावर, जो राजा थे उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती थी। ही टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली। राजा जो भी डिसीजन लेता था वो पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेता था और या जो रॉयल मेंबर्स थे फैमिली के उनसे सलाह लेते थे। सिंस द मौर्यन एम्पायर वॉज वेरी लार्ज, इट वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस सच एज उज्जैन एंड तक्षशिला विच वॉज रूल्ड बाय द गवर्नर्स हु वर यूजुअली रॉयल प्रिंसेस और कुमारास। मौर्यन एम्पायर क्योंकि बहुत बड़ी थी इसलिए उसको प्रोविंस में बांटा हुआ था, जैसे उज्जैन है, तक्षशिला है, और ज्यादातर इस पर जो रूल करते थे वो गवर्नर्स करते थे जो आइदर रॉयल प्रिंसेस होते थे या फिर कुमार्स होते थे। दीज गवर्नर्स रिपोर्टेड टू द एम्परर, और फिर यही गवर्नर जो है सारी रिपोर्ट एम्परर को देते थे। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इन टू डिस्ट्रिक्ट्स, प्रोविंसेस और फिर आगे किस में डिवाइड कर दी गई थी, डिस्ट्रिक्ट्स में, विच कंप्राइज ऑफ सेवरल टाउन्स एंड विलेजेस। अब उसके अंदर बहुत सारे गांव होते थे, बहुत सारे टाउन्स होते थे। ईच विलेज हैज अ हेडमैन कॉल्ड द ग्रामिका, हर गांव का एक हेडमैन होता था जिसको ग्रामिक बोलते थे। पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी एंड इट्स सराउंडिंग टेरिटरीज वर रिगार्डेड एज अ कोर एरिया एंड वर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द एम्परर विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स वेरियसली कॉल्ड अमात्स्य, महामात्र एंड युक्यास। जो पाटलिपुत्र थी वो उनकी मेन कैपिटल सिटी थी, या उसके जो आसपास के एरिया थे, टेरिटरीज थी, वो सब की सब जो है मेन एरिया माना जाता था और वो सीधे एम्परर द्वारा उसको उसका कामकाज देखा जाता था अपने ऑफिशियल्स की मदद से। ज़्यादातर वो आमात्य कहे जाते थे, महामात्र कहे जाते थे या फिर युक्यास कहे जाते थे। आमात्य यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मौर्यास के अंडर थे, महामात्र जो है गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर थे, और युक्यास जो है वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते थे, ऑफिसर्स जो थे वो होते थे। द ट्राइब्स इन द फॉरेस्ट वर मोस्टली इंडिपेंडेंट, जो आदिवासी लोग थे जंगल में वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट थे। द कलिंगा वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, लाइक हिज प्रोसीजर्स अशोका गवर्न्ड हिज एम्पायर वेल एंड ट्राइड टू एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज। अब अशोका ने भी जो अपने फोरफादर्स थे उनकी ही तरीके से जो एम्पायर थी, साम्राज्य था, उसको बहुत अच्छे से रूल किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार करने की कोशिश की। कलिंगा वॉज द ओनली किंगडम दैट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मौर्यास, खाली एक था कलिंगा ओडिशा में जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा राज्य था जो मौर्यास के कंट्रोल में नहीं था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट एज इट इज कंट्रोल्ड बाय द
कंट्रोल्ड द रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बाय लैंड एंड सी। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसका ये जो कलिंगा था ये साउथ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया के जो रास्ते थे चाहे लैंड या सी उनको कंट्रोल कर रहा था। अशोका रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कलिंगा एंड अ हिस्टोरिक बैटल फॉर कलिंगा वाज फॉट। अब अशोका को एहसास हुआ कि नहीं कलिंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ कलिंगा का। दिस वॉर चेंज अशोकाज लाइफ फॉर दो कलिंगा वॉज कॉन्कर्ड द लॉस वॉज टेरेबल। इस युद्ध ने अशोका की जिंदगी बदल दी क्योंकि कहने को कलिंगा जो है जीत तो लिया गया था पर जो नुकसान हुआ था वो बहुत ज्यादा था। अशोका वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही विटनेस्ड द आफ्टरमैथ ऑफ वायलेंस एंड द रिजल्टेंट ब्लडशेड। मतलब अशोका घबरा गए थे जब उन्होंने खुद देखा कि युद्ध के बाद या युद्ध में कितनी ज्यादा हिंसा हुई है, कितना ज्यादा खून खराबा हुआ है। ही देन रिजॉल्व्ड नॉट टू फाइट एनीमोर। और फिर उन्होंने जो है ये निश्चय कर लिया कि आज के बाद वो कभी भी कोई युद्ध नहीं करेंगे। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस किंगडम वॉज हॉरिफाइंग एंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल वर किल्ड। अब इस किंगडम को कलिंगा को जीत तो हासिल कर ली उन्होंने लेकिन इतना ज्यादा भयावह था, हजारों की संख्या में सैनिक आम आदमी मारे गए थे। He had mentioned in one of his inscription that 150,000 people were deported, 100,000 were killed, and many times that number perished. जो उन्होंने खुद mention किया है अपने inscription में कि 150,000 लोग तो जो हैं हटा दिए गए, 100,000 से ज़्यादा मार दिए गए और इससे कहीं गुना ज़्यादा जो हैं वो perish हो गए, मतलब खत्म हो गए। The sight of the battlefield filled Ashoka with horror and dismay. तो ये जो युद्ध का एक नज़ारा था इससे अशोका इतना ज़्यादा घबरा गए, इतना ज़्यादा डर गए, शॉक्ड एट व्हाट ही हैड डन ही वुड नेवर टू वेज अ वॉर अगेन। अपना जो भी उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से युद्ध हुआ है वो खुद इतना ज़्यादा सकते में आ गए कि उन्होंने फिर कसम खा ली कि कभी भी वो वॉर नहीं करेंगे। सून आफ्टर अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट, उसके बाद वो फौरन जो है बुद्धिस्ट अपना लिया उन्होंने। He adopted the policy of ahimsa and non-violence. उन्होंने जो नीति अपनाई वो अहिंसा की अपना ली। He was now filled with compassion and felt the need for right living. अब वो जो है पूरी तरह से जैसे उनमें एक अहिंसा की वो आ गई थी और उन्होंने ये जरूरत महसूस करी कि नहीं सबको जो है सही तरीके से जीने का अधिकार है। King Ashoka could not celebrate the victory over Kalinga. He was deeply anguished by the scene that he witnessed in the battlefield. अब अशोका ने जो है कलिंगा पे जीत तो हासिल कर ली पर वो उसकी जीत की खुशी नहीं मना पाए। उनको इतना ज़्यादा अंदर अपने एक परेशानी हो रही थी कि युद्ध का क्या सामने जो उनके दिख रहा था वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। अशोकास 13th रॉक एडिट एक्सप्रेस द डीप रिमोर्स दैट ही फेल्ट आफ्टर डिस्ट्रॉइंग कलिंगा। अशोका ने जो 13th रॉक पे अपना जो इंस्क्रिप्शन करवाया है उसमें दिखता है, उस पर फील आता है कि पूरी तरह से कलिंगा को डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ था। फ्यू किंग्स इन द हिस्ट्री हैव रिपेंटेड सो डीपली और ट्राइड सो हार्ड टू मेक अप फॉर द सफरिंग दे हैड कॉज्ड। कुछ राजा इतिहास में ऐसे रहे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत ज्यादा गहराई से या बहुत ज्यादा दिल से कोशिश करी कि जो भी नुकसान उनकी वजह से हुआ है उसकी वो भरपाई कर सके। ही वॉज द किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। उन्होंने अशोका खासतौर से वो राजा थे जिन्होंने जीतने के बाद भी युद्ध को अपनी जो जीत थी जो जगह हासिल करी थी उसको जो है छोड़ दिया। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ उपागुप्ता, वो जो है उपागुप्ता के फॉलोअर बन गए। ही सरेंडर्ड हिज वेपन्स एंड रिजॉल्व नॉट टू फाइट एनी मोर। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और कसम खा ली कि अब वो कभी भी जो है और लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड बिकम एन एबट, वो जो है उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया और एक तरह से भिक्षुक बन गए। किंग अशोका ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली ऑल ओवर इंडिया टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। अब किंग अशोका जो है उन्होंने पूरे इंडिया में घूम घूम के जो है बुद्धिज्म का प्रचार किया। अशोका अपॉइंटेड ऑफिसर्स, डेलीगेटेड पावर्स टू देम एंड एक्सपेक्टेड देम टू बी अकाउंटेबल। उन्होंने जो है कई सारे ऑफिसर्स रखे, उनको जो है पावर्स दी और उनसे उम्मीद करी कि वो जो है जो भी चीज़ें हैं सही तरीके से उनको रिपोर्ट करेंगे। स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड धर्म महामत were appointed to devote themselves to the maintenance of dharm so that people could obtain happiness and peace. Special officers जिनको कि धर्म के महामात कहा जाता था उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो पूरी तरीके से धर्म को सही तरीके से चला सकें और लोग जो हैं वो खुशी और शांति को अनुभव कर सकें। His son Mahendra and her
his daughter Sangamitra also traveled to Ceylon to propagate Buddhism. उनके जो लड़के थे महेंद्र और उनकी जो बेटी थी संगमित्रा वो भी सीलोन गए ताकि बुद्धिज्म का प्रचार कर सकें. He built many stupas, vihars and monasteries in India as well as abroad. तो अशोका ने बहुत सारे स्तूपा बनवाए, विहार बनवाए, मोनेस्ट्रीज बनवाई, मठ जिन्हें कहते हैं, इंडिया में भी और बाहर भी. He established Buddhism as a state religion. उन्होंने एक तरह से बुद्धिज्म को बिल्कुल ऐसे कर दिया कि जैसे ये स्टेट का एक धर्म है. He prohibited hunting and killing of animals in the country. शिकार जो है जानवरों का, मारना जानवरों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया. अशोका बिकम एन एग्जाम्पलर. अब वो एक तरह से उदाहरण बन गए थे. He lived his life the way he wanted his subjects to. वो खुद भी वैसी ही जिंदगी कर रहे थे जैसी वो अपनी प्रजा से उम्मीद करते थे. He encouraged his subjects to be loving, merciful, compassionate and pitiful. अपनी जो जनता थी उससे वो उम्मीद करते थे कि वो भी प्यार से रहे, दया दिखाए और सहानुभूति वाली हो. अशोका carved his policy of dharma, that is a person's duty to live according to certain religious and social code on pillars, caves and rocks. अब उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई, धर्म की नीति बनाई कि एक पर्सन की जो ड्यूटी होती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स या जो रिलीजियस सोशल कोड्स होते हैं उनको किस तरह से रहना चाहिए वो उन्होंने पिलर्स पे, केव्स पे, रॉक्स पे, सब पे जो है लिखवा दी. फॉर इंस्टेंस ही टोल्ड हिज सब्जेक्ट्स टू, अब उन्होंने अपनी जनता से क्या कहा, बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वन्स एल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स, अपने जो बड़े हैं उनका आदर करो, खास तौर से तुम्हारे जो माता पिता हैं. To abstain from killing animals, birds and practice ahimsa or non-violence. चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो उन्हें मत मारो, शिकार मत करो और अहिंसा का ज्यादा से ज्यादा पालन करो. To be moderate in expenditure and acquiring possessions. चीजों को हासिल करना हो या खर्च करना हो उसमें नाप तोल के सही तरीके से खर्च करो. To treat women and servants with care and show reverence to teachers and gentleness to all. Women हो, servants हो, उनको सही से उनकी केयर करो, मतलब उनके साथ तहजीब से बात करो, साथ ही साथ अपने जो गुरु हैं और जो भी लोग हैं उनको जो है एक रिस्पेक्ट दो, उनके प्रति आदर शो करो. आफ्टर अशोका द मौर्यन एम्पायर कंटिन्यूड फॉर सम 50 इयर्स और मोर बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग. अब अशोका के जो बात जो है मौर्यन एम्पायर लगभग 50 साल तक और रही, उसके बाद जो है वो टूट गई. Many reasons are suggested by historians. अब इसके भी बहुत सारे reasons बताए गए हैं historians द्वारा. The administration might have become less efficient and financially also it becomes difficult to run such a vast empire. जो administration थी वो इतनी ज़्यादा काबिल नहीं थी, financially वो लोग इतने strong नहीं थे कि इतनी बड़ी empire को चला सके. It is also possible that the policy of peace followed by Ashoka weakened the army. अब क्योंकि वो जो है अशोका वो शांति की नीति को फॉलो कर रहे थे तो इससे आर्मी कमजोर पड़ गई. द फाइनल ब्लो वॉज गिवन बाय द संगास हु कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ मगध फ्रॉम द मौर्यास. फाइनली जो संगास थे उन्होंने जो है मगध के थ्रोन को कैप्चर कर लिया मौर्यास से. विद द मौर्य एम्पायर वन रीजन फॉर द एक्लिप्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉज द अराइवल ऑफ द बैक्ट्रियन ग्रीक्स. जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स आए वो एक तरह से माना जाता है कारण रहे, जो ग्रहण लग जाता है मौर्यन डायनेस्टी को वो बैक्ट्रियन ग्रीक्स के आने की वजह से हुआ. दीज बैक्ट्रियन ग्रीक्स प्लेड अ मेजर रोल इन कोलैप्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर टू देयर एडवांटेज एंड एक्सपेंडेड इन टू इंडिया. जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मौर्यन एम्पायर के खत्म होने में, क्योंकि उन्होंने अपना फायदा उसमें देखा और साथ ही साथ इंडिया में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया. After the Indo-Greeks, the Shakas and the Kushnas established their rule over different parts of India. फिर Indo-Greeks के बाद जो है Shakas आए, Kushnas आए, जिन्होंने अपना रूल अलग अलग हिस्सों में इंडिया के establish किया. The last Mauryan ruler was overthrown by Pushyamitra Sangha. जो सबसे आखिरी Mauryan ruler थे उनको हटाया Pushyamitra Sangha ने. He established the Sangha dynasty in the east and then Kanvas and others ruled. उन्होंने संगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी ईस्ट में और फिर उसके बाद कनवास और बाकी लोगों ने रूल किया. द कुशनास वर अ ट्राइब फ्रॉम द स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया. कुशनास कहाँ थे, वो एक आदिवासी थे जो कि स्टेपीज से आए थे सेंट्रल एशिया के. प्रीडोमिनेंटली नोमैडिक द कुशनास माइग्रेटेड टू इंडिया एंड ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब कहने को कुशनास जो हैं वो घूमने फिरने वाले थे, नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले थे, तो वो माइग्रेट करके इंडिया में और कुछ कुछ उन्होंने हिस्से ईरान, अफगानिस्तान या जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है उनको भी हथिया लिया. इन आंध्र प्रदेश सतवाहन, चोल,
चेर एंड पांड्या रूल्ड ओवर साउथ इंडिया बिफोर 2202 व 1800 ईयर्स। आंध्र प्रदेश में सतवाहन, चोल, चेर, पांड्या इन लोगों ने रूल किया साउथ इंडिया में लगभग बिफोर 2200 से लेके 1800 ईयर्स तक। एंड ऑल्सो पल्लवास एंड चालुक्यास एस्टैब्लिश देयर रूल अराउंड 1500 ईयर्स अगो। 1500 साल पहले पल्लवास और चालुक्यास ने भी राज किया था। इन द डेक्कन, द कनवास एंड द सेंट्रल इंडिया द सतवाहन एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी। अब डेक्कन में कनवास थे और सेंट्रल इंडिया में सतवाहन थे जिन्होंने अपनी पूरी तरह से अथॉरिटी जमा ली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वर मेनी अदर स्मॉल एंड बिग स्टेट्स दैट इमर्ज्ड इन इंडिया। इसके अलावा और भी छोटे बड़े स्टेट्स जो है अब इंडिया में उभरने लगे थे। वी नो देम अबाउट देम थ्रू वेरियस कॉइन्स, स्क्रिप्चर्स, बुक्स एटसेट्रा। अब इनके बारे में हमें आइदर कॉइन्स के थ्रू, स्क्रिप्चर्स के थ्रू या फिर बुक्स के थ्रू पता चलता है। द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स लेड वंस मोर टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। जिस तरह से एग्रीकल्चर का, व्यापार का विस्तार हो रहा था, साथ ही साथ एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था नए नए स्टेट्स का, तो एक तरह से टाउन्स और सिटीज उनकी ग्रोथ खूब अच्छे से होने लग गई थी। मैनी रोडवेज एंड वाटरवेज वर डेवलप। बहुत सारे रोडवेज, वाटरवेज ये डेवलप कर दिए गए थे। सम टाउन्स फ्लरिश अराउंड पोर्ट्स। बहुत से ऐसे टाउन्स हैं जो पोर्ट के अराउंड जो हैं फ्लरिश होने लग गए थे, बढ़ने लग गए थे। मैनी स्टूपास, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड अदर बिल्डिंग्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड। अब इन्हीं लोगों ने बहुत सारे स्टूपा, टेम्पल, फोर्ट्स या और भी बिल्डिंग्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करवाया। तो ये था हमारा चैप्टर एम्परर अशोका। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।